कम लागत ज्यादा पैदावार से बंपर कमाई। स्ट्रॉबेरी भी उन्हीं फसलों में से एक है जिसकी पैदावार करके 60 से 70 दिनों में बंपर कमाई कर सकते हैं। हिसार के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती करके आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती के माध्यम से बहुत से किसानों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान सुरेंद्र सिंह 10 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इनके स्ट्रॉबेरी की डिमांड सिर्फ हिसार तक ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसकी भारी डिमांड है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी अरण्य खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। हिसार के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह 10 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इनकी स्ट्रॉबेरी की डिमांड सिर्फ हिसार तक नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी भारी डिमांड है। हमने ये 2002-03 में स्ट्रॉबेरी खेती स्टार्ट की। ये सर बेड प्रिपेरेशन करके लगाई जाती है। ये 3 फीट 1 मीटर का बेड बनता है, 12 इंच रेज्ड बेड 1 फुट हाइट का, और उसके बाद स्ट्रॉबेरी की 3 रो प्लांटेशन की जाती है। एक बेड पे 3 लाइनें और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, रो टू रो जो स्पेसिंग होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद पहले स्प्रिंकलर इरीगेशन से इरीगेट किया जाता है इसको। जब प्लांट सर्वाइव कर जाता है उसके बाद ड्रिप इरिगेशन होती है, ड्रिप डाल के और मल्चिंग सीट बिछाई जाती है। जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाता है उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। फिर जब फ्रस्ट इंजरी से बचाने के लिए जब पाला पड़ता है हमारा दिसंबर जनवरी में, तो तब 2 महीने इसके लिए लो टनल किए जाते हैं। प्लास्टिक की 30 माइक्रोन की प्लास्टिक की वाइट शीट होती है उसको, उससे इसको कवर किया जाता है रात को, और फिर दिन में इसको हटाया जाता है और फ्रूट हार्वेस्ट किया जाता है, रात को फिर वापस कवर किया जाता है। कम लागत ज्यादा पैदावार से बंपर कमाई। स्ट्रॉबेरी इन्हीं फसलों में से एक है जिसकी पैदावार करके 60 से 70 दिनों में बंपर कमाई कर सकते हैं। हिसार के किसान सुरेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती कर सालाना 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं लगभग 2002 से स्टार्टिंग की थी। मैंने 1-2 एकड़ में लगाते थे पहले, तो अभी मैं 10-1 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ। अगर मेरी एनुअल इनकम की बात की जाए तो मैं 20 से 25 लाख रुपए इससे निकाल लेता हूँ। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र ने बताया कि जो फ्रूट होता है उसे पैक करके 250 ग्राम के पीनट्स बनाए जाते हैं, यानी कि 8 पीनट्स का एक बॉक्स होता है, यानी 2 किलो के बॉक्स बनाए जाते हैं। फिर इसे बेचने के लिए हिसार मार्केट के अलावा दिल्ली एनसीआर के सुपरमार्केट में भेजा जाता है। सर हमारा जो फ्रूट है उसको हम पैक करके पीनट्स होती है 250 ग्राम की, और फिर वो 8 पीनट एक बॉक्स में डलते हैं, 2 केजी का बॉक्स होता है, इसको हम दिल्ली मार्केट में भेजते हैं। यहाँ लोकल भी हिसार भी मार्केट में जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो यहाँ भी कुछ फ्रूट्स हमारा आ जाता है। बाकी मैं सुपर खर्चा सर इसका जो बेसिक खर्चा है 1 एकड़ का वो लगभग 5 लाख रुपए है। प्लांटिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मल्चिंग सीट, लो टनल कॉस्ट और इसके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अगर खर्चे कैलकुलेट करें तो बेसिक खर्चा है 5 लाख। कृषि विशेषज्ञों की माने तो पूरी दुनिया में स्ट्रॉबेरी की करीब 600 किस्म मौजूद है। हालांकि भारत में व्यावसायिक खेती वाले किसान भारत के मौसम के अनुसार स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। देखिए सर स्ट्रॉबेरी की किस्में तो सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ रीजन में जो सबसे पॉपुलर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है वो है विंटर डाउन। उसके अलावा जो मैं लगाता हूँ वो है सैन एंड्रियाज, फ्रंटेराज, स्वीटेन, एल्बियन, ब्रिलियंस और कुछ कैमरोजा भी लगाते हैं कुछ लोग कुछ रीजन्स में, किसी रीजन में इसकी जो ये थी वैरायटियां इसकी, और ये लगाई जाती है सितंबर के महीने में, फर्स्ट में स्टार्ट कर दी जाती है 1 सितंबर से, और 15 अक्टूबर तक इसकी
ट्रांसप्लांटेशन चलती है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। कुछ अर्ली वैरायटियां हैं, कुछ लेट वैरायटी हैं, और मार्च एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। 4 महीने फ्रूट हार्वेस्ट होता है। सितंबर में लग के ये 60 दिन बाद फ्रूटिंग पे आ जाती है। प्रदेश के प्रगतिशील किसान आधुनिक खेती कर आज लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं और तमाम किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं।